इंडेक्सिंग क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इंडेक्सिंग, जैसे आप एक किताब लेते हैं, किताब के एकदम शुरुआत में आपको इंडेक्स मिलता है, उस इंडेक्स से आप किसी भी पेज पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो जो डेटा स्टोर होता है, हम जानते हैं कि ये रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, और हर एक रिकॉर्ड का एक की फील्ड होती है, उसकी एक की फील्ड होगी जो हेल्प करती है कि हम उसको उस रिकॉर्ड तक यूनिकली पहुंच जाए। इंडेक्सिंग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक है जो हमें मदद करती है कि आप एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकें रिकॉर्ड्स को डेटा व फाइल से, बेस्ड ऑन मतलब किस आधार पे, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं जिस पे इंडेक्सिंग बनाई गई है या इंडेक्सेस बनाए गए हैं। तो इंडेक्सिंग डेटाबेस सिस्टम में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किताबों में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं। तो इंडेक्सिंग जो डिफाइन होती है वो बेस होती है इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट्स पे। तो इंडेक्सिंग कितने टाइप की हो सकती है, देखिएगा, एक प्राइमरी इंडेक्स होता है, और प्राइमरी इंडेक्स का मतलब ये है कि प्राइमरी इंडेक्स ये डिफाइन होती है ऑर्डर्ड डेटा फाइल में, यानी डेटा फाइल जो प्रॉपर ऑर्डरिंग फॉलो करे, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो डेटा फाइल इसमें इज ऑर्डर्ड ऑन अ की फील्ड, तो डेटा फाइल ऑर्डर्ड होगी इस की फील्ड पे, और जो की फील्ड होगी वो जनरली आपकी प्राइमरी की होती है उस रिलेशनशिप की, उस रिलेशन की। जहां तक सेकेंडरी आप इंडेक्स की बात करें, तो सेकेंडरी इंडेक्स कैसे जनरेट करेंगे, इसको आप जनरेट कर सकते हैं उन फील्ड से जो या तो उस कैंडिडेट की हो, या कोई यूनिक वैल्यू हो हर एक रिकॉर्ड में, या फिर कोई नॉन की भी ले सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकेंडरी इंडेक्स में। एक क्लस्टरिंग इंडेक्स भी होता है, ये भी डिफाइंड है ऑर्डर डेटा फाइल में। तो जो डेटा फाइल है, हम जो ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं, तो जो डेटा फाइल है ऑर्डर्ड होता है नॉन की फील्ड, या नॉन की यानी कि जो आपकी प्राइमरी की नहीं, उसे हम नॉन की कह रहे हैं। तो ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग दो टाइप की हो सकती है, एक डेंस होती है और एक स्पार्स इंडेक्स। तो डेंस इंडेक्स क्या होता है, डेंस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वहां पर एक इंडेक्स रिकॉर्ड होगा हर एक सर्च की वैल्यू के लिए। इन डेटाबेस में इंडेक्स रिकॉर्ड होगा हर एक सर्च की वैल्यू के लिए, आपको डेटाबेस में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये थोड़ा फास्टिंग को, जो सर्चिंग है उसको फास्ट बनाता है, लेकिन थोड़ी जगह ज्यादा लेता है उसमें। तो इंडेक्स रिकॉर्ड इसमें सर्च की वैल्यू होती है, और साथ में एक पॉइंटर होता है एक्चुअल रिकॉर्ड के लिए। अभी आप देखिएगा कैसे होता है। देखिए, ये आपका जैसे इंडेक्स रिकॉर्ड है, इसके पास एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर एक्चुअल पॉइंट कर रहा है इस रिकॉर्ड को, तो चाइना के साथ आगे कुछ भी हो सकता है, ये ना पूरे पूरे रिकॉर्ड को ये पॉइंट कर रहा है, इसे हम डेंस कहते हैं। स्पार्स इंडेक्स को क्या कहेंगे, जैसे हमने ये देखा, ये डेंस इंडेक्स होता है। स्पार्स इंडेक्स का मतलब ये है कि इंडेक्स रिकॉर्ड हम सारी सर्च की के लिए नहीं बनाते। इंडेक्स रिकॉर्ड यहाँ पर सर्च की होती है, साथ में एक्चुअल पॉइंटर होता है कहाँ पर, डेटा ऑन द डिस्क के लिए। तो अगर हमें सर्च करना है तो पहले हम इंडेक्स रिकॉर्ड पे जाएंगे, फिर वहां पहुंचेंगे जहां पर एक्चुअल लोकेशन है डेटा की। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से होता है। अगर हमको डेटा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो वहां नहीं है, तो हम सीधा हम इंडेक्स के बाद एक्चुअल जगह पे जाते हैं, और फिर सीधा जो सिक्वेंशियल सर्च है वो शुरू कर देते हैं, तब तक ही जब तक हमको डेटा नहीं मिलता। तो देखिए, वो बहुत ऐसा बहुत कम होता है, जैसे चाइना, रशिया, आप यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीन ही है, कैनेडा के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसे हम संज्ञा देंगे डेंस नहीं स्पार्स इंडेक्स की। मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, ये मल्टी लेवल इंडेक्स का मतलब ये होता है, जो इंडेक्स रिकॉर्ड हमने देखे इसमें क्या क्या था, सर्च की वैल्यूज थी और डेटा पॉइंटर्स थे। तो मल्टी लेवल इंडेक्स, अगर आप इसको स्टोर करेंगे डिस्क में, मल्टी लेवल इंडेक्स इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क अलोंग विद द एक्चुअल डेटाबेस फाइल्स। मल्टी लेवल इंडेक्स आपका स्टोर होगा डिस्क में, साथ में एक्चुअल डेटाबेस फाइल्स भी होगी, लेकिन जैसे ही साइज बढ़ेगा, जैसे डेटाबेस बढ़ेगा, तो साइज का इंडेक्स का भी साइज बढ़ जाएगा, फिर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जरूरत यह है कि हम जो इंडेक्स रिकॉर्ड है इसको हम मेन मेमोरी में रखना चाहेंगे, ताकि जो सर्चिंग है उसको हम स्पीड अप कर सके, उसका समय कम कर सके। तो सिंगल लेवल इंडेक्स अगर आप यूज करेंगे तो बहुत बड़ा साइज इंडेक्स होगा, लार्ज साइज इंडेक्स होगा, इंडेक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम उसे मेमोरी में नहीं रख पाएंगे, और अगर मेमोरी में रख भी देंगे तो बहुत ज्यादा डिस्क मल्टीपल एक्सेसेस होंगे इसके लिए। तो अगर आप देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि वो जो हम मल्टी लेवल की बात कर रहे थे, इसमें आउटर इंडेक्स केवल कितना छोटा, देखिए ये आउटर इंडेक्स इनर इंडेक्स पे जाता है, फिर इनर इंडेक्स जो डेटा ब्लॉक्स, तो आप ये आउटर इंडेक्स को आप मेमोरी में रख दीजिए, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में रख दिया तो बस एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगी। तो मल्टी लेवल इंडेक्स आपको ये मदद करता है कि आप जो इंडेक्सेस को ब्रेक डाउन कर दें और छोटे छोटे इंडेक्सेस में, ताकि आप आउटर मोस्ट लेवल इतना छोटा हो जाए कि आप इसको किसी एक सिंगल डिस्क ब्लॉक की तरह कहीं भी आप एकोमोडेट कर सकते हैं मेन मेमोरी में। तो इस मेमोरी, मेन मेमोरी से फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको इनिशियली टाइम बहुत कम लगेगा। तो ये बात की हमने इंडेक्सिंग जो डेटाबेस में। बहुत शुक्रिया।